दोस्तों आज मैं इटावा के बालाजी के आया हूँ। यहाँ पर आज मैं आपको यहाँ की पूरा दृश्य बताऊँगा। दोस्तों ये इटावा के बालाजी का मंदिर सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। यहाँ पर शनिवार के दिन बहुत भीड़ होती है। यहाँ पर दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं शनिवार के दिन, शनिवार और मंगलवार के दिन। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, अभी हम नवरात्रि में आ गए तो यहाँ पर भीड़ बहुत कम है। यहाँ पर अभी हमने प्रसाद ले लिया यहाँ से। अब हम मंदिर के अंदर की ओर चलेंगे। ये यहाँ पर दूना है दोस्तों नारियल चढ़ाने के लिए, ये पुराना है, नया और बन गया, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये पुराना वाला है, इसको अब बंद करने वाले हैं, नया बन चुका है, वो चालू है अभी, मैं वो भी बताऊंगा आपको। अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, मंदिर की तरफ। पहले हम मंदिर के बाहर का दृश्य दिखा देता हूँ एक बार आपको। अब अंदर की तरफ जा रहे हैं हम। ये मंदिर है दोस्तों, जय बजरंग बली। ये मंदिर है दोस्तों, ये बजरंगबली की मूर्ति है। यहाँ पर आप आराम से देखिए। हम मंदिर के अंदर आ गए, ये देखिए, ये है बजरंगबली। यहाँ पर शंकर की मूर्ति भी है। इधर देखिए दोस्तों कितने दीपक जल रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों अभी मैंने अंदर का दृश्य बता दिया है आप लोगों को, बाहर का दृश्य बताता हूँ मैं। यहाँ पर चलते हैं बाहर की तरफ। ये दोस्तों बाहर का दृश्य है, जो मेन मंदिर है ना उसके बाहर परिक्रमा लगाने का है। ये देख सकते हो यहाँ पर अनाज रखा हुआ है, गोदाम भरे हुए हैं यहाँ पर। ये दोस्तों नया दोना, जहाँ पर अगरबत्ती और नारियल चढ़ाए जाते हैं, घी भी चढ़ाया जाता है यहाँ पर। अभी चालू हुई है, पुराना वाला बंद कर दिया, देख सकते हो अभी चालू हुई है, बाहर कर दिया ये मंदिर के बगल में साइड में। ये मंदिर है, ये धर्मशाला है दोस्तों, ये देख सकते हो, ये धर्मशाला है। यहाँ पर ये मंदिर के बाहर का दृश्य है, यहाँ पर खूब जगह है। ये भी धर्मशाला है सामने भी, ये मंदिर है, ये दूर से इस तरह दिखाई देता है, ये मंदिर इस तरह दिखाई देता है दूर से मंदिर में। और जगह भी खूब है यहाँ पर, धर्मशाला भी बहुत बड़ी है। दोस्तों आज मैंने आपको पूरा मंदिर बता दिया, यदि आपको मौका मिले दोस्तों तो आप एक बार ज़रूर आना यहाँ पर दर्शन करने के लिए। यहाँ पर सभी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं।